हेलो दोस्तों, टेकटॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं वरुण। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा पोको के चार स्मार्टफोन्स के बारे में, और ये चारों 15,000 रुपये से कम कीमत पर उपलब्ध हैं, और ये इस रेंज के सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन्स हैं पोको के। तो दोस्तों, अगर आप स्मार्टफोन्स लेने जा रहे हैं पोको के और आपका बजट 15,000 रुपये तक का है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस वीडियो में मैं बताऊंगा पोको के 15,000 रुपये से कम कीमत वाले चार सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन्स के बारे में। सब्सक्राइब कीजिए टेक टॉक चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले। तो दोस्तों, मैं शुरू करूंगा चौथे नंबर से। चौथे नंबर पे दोस्तों, जो स्मार्टफोन है पोको का और इसकी प्राइस 15,000 रुपये से कम है, यह है पोको C3। पोको C3 आता है कुछ इन स्पेसिफिकेशंस के साथ। दोस्तों, इसका जो डिस्प्ले है वो 6.43 इंच का IPS LCD डिस्प्ले है, और इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो MediaTek का हीलियो G35 है। कई एक मेमोरी वेरिएंट में ये स्मार्टफोन अवेलेबल है, और जो रियर कैमरा है इस स्मार्टफोन का वो एक ट्रिपल रियर कैमरा है, जिसमें प्राइमरी सेंसर 13 मेगापिक्सल का है। फ्रंट कैमरा दोस्तों इसका 5 मेगापिक्सल का है। बैटरी की अगर बात करें तो बैटरी इसमें लगी हुई है 5000 mAh की, और ये चार्ज होती है 10 वाट के चार्जर के थ्रू। तो दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है पोको C3, ये हमारे इस लिस्ट का चौथा सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन है पोको का, और इसकी कीमत जो है 15,000 रुपये से कम है। तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरे नंबर पे जो स्मार्टफोन है दोस्तों पोको का, वो है पोको M2। पोको M2 का जो डिस्प्ले है 6.53 इंच का IPS LCD डिस्प्ले है, प्रोटेक्ट होता है ये गोरिल्ला ग्लास 3 से। साथ ही इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो MediaTek का हीलियो G80 है। कई एक मेमोरी वेरिएंट में ये स्मार्टफोन भी आता है। साथ ही रियर कैमरा जो इस स्मार्टफोन का है वो एक क्वाड कैमरा है, और जिसमें प्राइमरी सेंसर 13 मेगापिक्सल का है। फ्रंट कैमरा इसका 8 मेगापिक्सल का है। बैटरी जो इसमें लगी हुई है वो 5000 mAh की है, और ये चार्ज होती है 18 वाट के फास्ट चार्जर के थ्रू। तो दोस्तों, पोको M2 हमारे इस लिस्ट का तीसरा सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन है, और इसकी कीमत 15,000 रुपये से कम है। दूसरे नंबर पर चलते हैं। दूसरे नंबर पर जो स्मार्टफोन प्रेजेंट है दोस्तों पोको का, वो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, और ये स्मार्टफोन है पोको M3। पोको M3 आता है कुछ इन स्पेसिफिकेशंस के साथ। दोस्तों, पोको M3 का जो डिस्प्ले है 6.53 इंच का है, और ये प्रोटेक्ट होता है गोरिल्ला ग्लास 3 से। इसका डिस्प्ले IPS LCD डिस्प्ले है। साथ ही इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 662 है। रियर कैमरा इसका ट्रिपल रियर कैमरा है, जिसमें प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का है। फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। बैटरी जो इसमें लगी हुई है वो बहुत ही मैसिव है, 6000 mAh की इसकी बैटरी। चार्ज होती है 18 वाट के फास्ट चार्जर के थ्रू। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ ये स्मार्टफोन आता है। तो दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में पोको M3 दूसरे नंबर पे है, और इसकी कीमत भी 15,000 रुपये से कम है। अब देखते हैं पहले नंबर पे कौन सा स्मार्टफोन मौजूद है। दोस्तों, पहले नंबर पे जो स्मार्टफोन मौजूद है पोको का, वो है पोको M2 Pro। पोको M2 Pro आता है कुछ इन स्पेसिफिकेशंस के साथ। पोको M2 Pro का डिस्प्ले 6.67 इंच का IPS LCD डिस्प्ले है, और ये प्रोटेक्ट होता है गोरिल्ला ग्लास 5 से। प्रोसेसर जो इसमें लगा हुआ है वो है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 720G। कई एक मेमोरी वेरिएंट में ये स्मार्टफोन मौजूद है। साथ ही इसमें जो कैमरा लगा हुआ है रियर साइड में, वो एक क्वाड कैमरा है, जिसमें प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का है। फ्रंट कैमरा इसका 16 मेगापिक्सल का है। साथ ही इसमें जो बैटरी लगी हुई है वो 5000 mAh की है, लेकिन चार्जिंग जो इसकी होगी इस बैटरी की, वो 33 वाट के फास्ट चार्जर के थ्रू होगी। यानी ये बैटरी को बहुत ही तेज़ी से चार्ज कर देगा ये चार्जर। तो दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में पोको M2 Pro पहले नंबर पे है, और ये पोको का सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन है जो 15,000 रुपये से कम कीमत पर उपलब्ध है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस ब्लॉग को रैप अप करते हैं। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। इस ब्लॉग को देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, धन्यवाद।